तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं मैथ पढ़ाऊंगी, और मैथ पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि सिलेबस, क्योंकि सिलेबस एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस के थ्रू हम समझेंगे कि एग्जाम में किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सब यहाँ पे देखेंगे, जिसको एकदम नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, एंड वैल्यू ऑपरेशन। यहाँ पे तीन टॉपिक है जो एक ही साथ मर्ज किया हुआ है, संबंध, फलन एवं द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव का है, एक मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव में जो दो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, पांच नंबर वाले। तो जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसी तरह देखिए पहला चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस, उससे आते हैं ऑब्जेक्टिव में तीन क्वेश्चन, मतलब चार से पांच साल का एवरेज वेटेज लिया गया, ठीक है, कि एवरेज कितना क्वेश्चन आता है। तो लगभग तीन से चार क्वेश्चन आ ही जाता है, और दो नंबर वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, हर ईयर आता है, ठीक है। एवरेज में देख सकते हैं तीन से चार, और ये तो एक क्वेश्चन रहना फिक्स है। फिर दूसरा चैप्टर देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, मैट्रिक फंक्शन ITF बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे ऑब्जेक्टिव में नौ क्वेश्चन आते हैं, एवरेज है लेटेस्ट चार से पांच साल का, नौ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दो मार्क्स वाले दो क्वेश्चन और पांच मार्क्स वाले एक क्वेश्चन हर साल आता है। फिर है तीसरा चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैट्रिक्स भी आ जाता है, डिटरमिनेंट्स भी आ जाता है, और इसमें आते हैं 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से, शॉर्ट क्वेश्चन आता है दो, और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसका वेटेज काफी है। चौथा चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकल कलन। इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है 12 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव दो नंबर वाला जो होता है वो पांच क्वेश्चन आता है, और एक आ जाता है फाइव नंबर वाला, यानी कि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इससे आता है बस एक बार आया है लेटेस्ट में, दो क्वेश्चन एक नंबर वाला, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर अगला चैप्टर है इंटीग्रल्स, जिसको कुछ लोग इंटीग्रेशन में बोलते हैं। इससे आता है एक नंबर वाला 25 क्वेश्चन, देख लीजिए अभी तक में सबसे ज्यादा किसका है, इंटीग्रल्स का। फिर आता है दो नंबर वाला 8 क्वेश्चन और पांच नंबर वाला एक क्वेश्चन। तो ये तो और भी इम्पोर्टेंट होगी, यहाँ ऊपर से नीचे तक देखे जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा, इंटीग्रल वाला। अगला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इससे देखिए इससे अभी तक लेटेस्ट चार से पांच साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे आपको क्रॉस लगा दिया गया, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इस चैप्टर को। फिर अगला डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण। इससे ऑब्जेक्टिव आता है 5 क्वेश्चन, दो नंबर वाले दो क्वेश्चन और 5 नंबर वाले एक क्वेश्चन आता है। अगला वेक्टर चैप्टर यानी स्टडीज, इससे भी देखिए ऑब्जेक्टिव 12 क्वेश्चन आता है, दो नंबर वाले तीन क्वेश्चन और पांच नंबर वाले एक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, ये सब एवरेज है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री, इससे आता है ऑब्जेक्टिव 12 क्वेश्चन, दो नंबर वाला तीन क्वेश्चन और सब्जेक्टिव जो है पांच नंबर वाला, अभी फिलहाल दो तीन साल से नहीं पूछा जा रहा है, तो हम क्रॉस लगा दिए हैं। अगला लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्राम, ठीक है, इससे आता है ऑब्जेक्टिव का 3 क्वेश्चन, एक आता है दो नंबर वाला क्वेश्चन और एक आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अगला प्रोबेबिलिटी, पहले प्रायिकता का क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता था 5 नंबर वाला में, लेकिन 4 साल से क्या हो रहा है, इसमें 5 नंबर वाला भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दिया कि सारा चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आता है और कितने कितने मार्क्स का आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ये है, देखिए एकदम फिक्स है, इसको एकदम गलती से भी इग्नोर नहीं करना इस चैप्टर को। ये चैप्टर देखिए, मतलब कि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे, जैसे वेक्टर का एक चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कितना मार्क्स का, आप यहीं पे कैलकुलेट
25 मार्क्स, यहाँ पे 8 गुना 2 16 मार्क्स और यहाँ पे 5 मार्क्स, यानी एवरेज 45 मार्क्स सिर्फ वेक्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसी तरह सॉरी इंटीग्रल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये वेक्टर का चैप्टर है, इससे देखिए 12 ऑब्जेक्टिव यानी 6 सब्जेक्टिव 6 मार्क्स इधर हो गया, 18 और 5 23 23 मार्क्स, एवरेज आप 20 to 25 भी ले सकते हैं। तो वेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना है और ना ही प्रोबेबिलिटी, भी अभी बहुत इजी टॉपिक है और अभी इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा जा रहा है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी 4 साल से लगातार एक पूछे जा रहा है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना। साथ ही साथ ये डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी इजी चैप्टर है, इसको भी इग्नोर नहीं करना, इससे भी काफ़ी मार्क्स आते हैं। और एक ये ITF, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। थोड़ा थोड़ा ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ कुछ फॉर्मूला जो होता है टेढ़ा मेढ़ा करके इसमें यूज होता है, तो ये सब आपको वीडियो में पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर का क्या होगा जो शॉर्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, पहले शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से सभी चैप्टर का करेंगे बारी बारी से, तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इस टॉपिक से संबंधित, ठीक है।